नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति के गड़बड़ी मामले में हाईकोर्ट ने जेपीएससी से पूछे तीखे सवाल। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक के अदालत ने असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति के मामले में दायर की गई याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की। अदालत ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से झारखंड लोक सेवा आयोग से पूछा कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद अभ्यर्थियों के टाउन प्लानर मेंबरशिप सर्टिफिकेट जमा करने की तिथि बढ़ाने का जेपीएससी को क्या अधिकार था, जेपीएससी ने किस अधिकार के तहत तिथि बढ़ाई, अदालत ने उस अधिकार को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि जेपीएससी संवैधानिक संस्था है। अदालत ने जेपीएससी को अधिकार बताने का निर्देश देते हुए सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तिथि को निर्धारित की। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ रंजन ने पक्ष रखते हुए बताया कि 10 अगस्त 2020 को फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि थी। उस दिन तक कुछ अभ्यर्थियों के पास इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर से एसोसिएट मेंबरशिप का सर्टिफिकेट नहीं था। इसके बावजूद उनका आवेदन स्वीकार कर लिया गया। वहीं चयनित अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि प्रार्थी ने तिथि बढ़ाने संबंधी अधिसूचना को चुनौती नहीं दी है, यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। कोविड-19 की वजह से टाउन प्लानर मेंबरशिप सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने जेपीएससी की टाउन प्लानर नियुक्ति की अनुशंसा को निरस्त करने की मांग की है। जेपीएससी ने 77 टाउन प्लानर के पदों के विरुद्ध 43 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा की है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।